हेलो दोस्तों, आई एम सो वी वन प्लस ऑक्सीजन ओएस 7 प्रो थीम फॉर ऑल वीवो डिवाइस आप देख ही सकते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होने वाला है। देखिए इसके बहुत बढ़िया से आइकन, देखिए आप देख ही सकते हैं। वन प्लस 70 प्रो वाली थीम वीवो के डिवाइस में लगा कि आप वन प्लस ऑक्सीजन ओएस का लुक किसी भी वीवो डिवाइस में पा सकते हैं। इसका कंट्रोल पैनल कुछ इस प्रकार से होने वाला है। नोटिफिकेशन पैनल में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सेटिंग्स आप देख ही सकते हैं। और इसके डायलर की बात करें तो कुछ कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। आप देख सकते हैं सब कुछ कितना बढ़िया सा लग रहा है। फेस की लॉक स्क्रीन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है। यहाँ आपको फिंगरप्रिंट का आइकन भी मिलने वाला है। देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया लग रही है। देख सकते हैं अगर फेस लॉक आपका इनेबल है, अगर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे है तो आप ऐसा इंटरफेस इन डिस्प्ले पर पा सकते हैं। अगर फेस लॉक इनेबल है तो आप इधर आइकन आएगा जो कि और भी इंटरेस्टेड लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता दूं कि आपको ये थीम अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, और दोस्तों ये क्लॉक वाला तो मैं भूल ही गया, वन प्लस की क्लॉक कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जिस पर विजिट करके ऐप होगा उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर होल्ड करके आप किसी भी साइज़ को डाल देना है, ये लोडिंग हो जाएगा तो इधर टच का ऑप्शन आएगा, तो आप उधर क्लिक कीजिए। फिर SD कार्ड में ये फाइल पेस्ट कर दीजिए जो क्लॉक की फाइल है, और फिर इसको SD कार्ड में सिलेक्ट कीजिएगा। फिर इसको SD कार्ड में सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, फिर इधर आ जाएगा क्लॉक का आइकन। आप देख ही सकते हैं मेरा बढ़िया सा ये आइकन कुछ इस प्रकार से होने वाला है। आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं SD कार्ड और ऐसे आ जाएगा, देख सकते हैं आप। मैं अभी नाम दे दूँ, 1 मिनट। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस होने वाला है। ये टच का ऑप्शन आ गया, आप इसको क्लिक करके कर लीजिएगा। फिर थीम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और ZArchiver ऐप ओपन कर लीजिएगा, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो आपको थीम जहीं भी डाउनलोड की हो वहीं चला जाइएगा। तो देखिए ये रही, मैं ये इधर से कॉपी कर लूँगा, US मेमोरी में जाऊँगा DWD के फोल्डर में, अंदर जाते जाऊंगा और इधर एक टी करके फोल्डर होगा उसमें ये पेस्ट कर दूंगा। इधर पेस्ट का आइकन आएगा तो आप पेस्ट कर दीजिएगा, ये देख सकते हैं मेरे आ गए। फिर आपको करना क्या है, सीधा आपको सिंपल सा बैकग्राउंड से सब कुछ हटा देना है, फिर आई थिंक ऐप ओपन करना है सीधा। आप ध्यान रखें कि ये आई थिंक का वर्जन ओल्ड रहना चाहिए। फिर आपको लोकल थीम ओपन करना है। इसका प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से नहीं आने वाला, लेकिन आप देख सकते हैं इधर हाल में कुछ दिखा नहीं रहा, फिर भी आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई हो जाए, देख सकते हैं आप, ये अप्लाई हो चुका है। इस बिल्कुल वन प्लस वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, इसका लुक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, वो भी एक और मज़ेदार थीम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।